वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू फिक्स नेटवर्क प्रॉब्लम। अगर आपके फ़ोन पे किसी भी कंपनी का सिम कार्ड इंसर्ट है और उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है तो इसे ठीक कैसे करें। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सेटिंग्स बताऊंगा, तो आप फॉलो करते रहिए। सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स को खोलते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। नेक्स्ट यहाँ पे कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाना है। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर और एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों कभी कभी हमारे फ़ोन में गलती से नेटवर्क सेटिंग्स चेंज हो जाता है या फिर नेटवर्क आईसी में अस्थायी त्रुटि दिखाई देते हैं, जिसे हम सिर्फ नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करके ठीक कर सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग को रीसेट मारने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपका कनेक्टेड वाईफाई नेटवर्क पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस भी रीसेट हो जाएगा, लेकिन आपके फ़ोन में जितने सारे डेटा था वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट उस सिम कार्ड को सिलेक्ट करना है जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट मारने के लिए रीसेट सेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके कर देना है। नेटवर्क रीसेट करने से आपके फ़ोन पर नेटवर्क सिग्नल तो आ जाएगा, लेकिन इस फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए। रीस्टार्ट का मतलब है फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करना। दोस्तों बेसिकली नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट मारने से हमारा जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में आप इस फ़ोन को स्विच ऑफ करके सिम स्लॉट चेंज कर दीजिए, मतलब सिम स्लॉट 1 में जो सिम कार्ड है उसे सिम स्लॉट 2 में डाल दीजिए और सेकेंड सिम कार्ड को सिम स्लॉट 1 में इंसर्ट कीजिए। उसके बाद आप स्विच ऑन करके देख सकते हैं नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। अगर सिम स्लॉट चेंज करने से आपका मोबाइल पे नेटवर्क आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आते हैं तो आप मान के चलिए आपका सिम कार्ड खराब हो गया है या फिर आपके मोबाइल का नेटवर्क ऐसी डैमेज हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।